गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 में आपको ये बताना है कि जो मूल होते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। उनका नेचर आपको डिफाइन करना है, बताना है। अगर उनकी मूलों का अगर कोई अस्तित्व है तो मूल को फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन फर्स्ट में आपको बताना है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस तरह इसका फॉर्मूला होता क्या है और किस बेसिस पे हम ये डिफाइन करते हैं, फाइंड करते हैं कि मूल किस तरह के, ठीक है। यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला होता है d² = b² - 4ac। इसको विभक्तर का भी फॉर्मूला बताते हैं, विभक्तर d² = b² - 4ac, ठीक है। अगर बेटा डी का मान जीरो आ रहा है, d = 0 होगा तो उसके जो मूल होंगे समीकरण के वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। समझ में आया ना। अगर d = 0 है तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। d > 0 अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, बड़ी होगी, तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है। यानी इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल होंगे, ठीक है, अनइक्वल होंगे, ठीक है। d < 0 अगर d की वैल्यू 0 से कम आती है तो जो मूल होंगे उनका कोई अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया ना। वहां पे आपको फिर मूल नहीं फाइंड करनी, ठीक है। जो डी का मान आएगा वहीं से क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया हुआ है 2x² - 3x + 5 = 0। बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 से इस समीकरण की तुलना करेंगे, जो आपको समीकरण दिया हुआ है इससे कंपेरिजन करेंगे ax² + bx + c = 0 से, ठीक है। कंपेरिजन करने के बाद पहले यहाँ पे एक लाइन हम लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं ये लाइन मिस कर रही हूँ, ठीक है, स्किप कर रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है अपनी कॉपी में, ठीक है। जब हम तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो ए की वैल्यू आपकी आएगी 2। देखिए ए की जगह पे 2 है। इस तरह बी की वैल्यू आपको -3 आएगा एंड सी की वैल्यू 5 आएगा प्लस का, ठीक है। ये ए बी सी की वैल्यूज आएंगी जब हम ax² + bx + c = 0 से इसकी कंपेरिजन करेंगे, ठीक है क्लास। उसके बाद बेटा देखिए फॉर्मूला होता है आपका d = b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए b² - 3² - 4 * a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, क्लियर ना सबको। अब देखिए c 3 का स्क्वायर करिए, 3 * 3 = 9, प्लस में 9 आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। -4 * 2 = 8, 8 * 5 = 40, ये आएगा, ठीक है। अब 40 - 9 करेंगे तो -31 आएगा, यानी d की वैल्यू क्या मिलेगी, -31। यहां से बेटा हम क्या देखते हैं, d < 0, जो d की वैल्यू है वो 0 से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया हुआ है इससे कोई मूल नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके मूल हम नहीं ज्ञात कर सकते, ठीक है। यहाँ पे आप लिखोगे चूंकि d का मान 0 से छोटा है, ठीक है, इसलिए दिए गए समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आपको लिख कर फाइंड करना है। इसी फॉर्मूले बेस्ड दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बताया है, सेकेंड और थर्ड दो क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसी फॉर्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये चीज आप बहुत ध्यान रखेंगे, इसी अप्लाई, अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो मूल वास्तविक होते हैं और समान होते हैं, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, यानी कि d > 0, तो मूल आपके वास्तविक होते हैं और असमान, यानी अनइक्वल होते हैं, ठीक है। और d < 0, d की वैल्यू 0 से छोटी होती है, ठीक है, तो वहां पे उसका मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। उसके बाद उसको हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके क्लास, थैंक यू।